जौनपुर के सतहरिया निवासी गुलाब चंद यादव जो दोनों आंख के सूर हैं, उनकी पत्नी सूर्यकली जो ओ भी एक आंख की सूर है घर से गायब हो गई। पति ने लोगों से किया मदद की अपील। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र की सतहरिया निवासी गुलाब चंद यादव की 60 वर्षीय पत्नी सूर्यकली जो 1 अगस्त 2022 से घर से अचानक गायब हो गई है, जिसकी तलाश में उनके पति कई जगह पता किया लेकिन अभी तक सूर्यकली का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें गुलाब चंद यादव जो दोनों आंखों से सूर है देख नहीं सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी सूर्यकली भी एक आंख की सूर है और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि मेरी एक सिर्फ बेटी है जो अभी इंटर में पढ़ रही है। सूरदास गुलाब चंद यादव ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी से निवेदन है कि मेरी पत्नी को जहां कहीं भी देखे मेरे मोबाइल नंबर 9838514337 और 8737940368 पर सूचना देने की कृपा करें। गुलाब चंद यादव ने कहा कि मेरी पत्नी की सूचना देने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा। वहीं गुलाब चंद यादव के रिश्तेदार सुरेश चंद यादव ने भी क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि दोनों आंख के सूर की पत्नी सूर्यकली जिसकी उम्र 60 वर्ष है वो भी एक आंख की सूर है, मुंह में दांत नहीं है। यदि कहीं किसी को मिले तो मेरे मोबाइल नंबर 8737940368 पर सूचना देने की कृपा करें। पेश है सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं SS पांडे। आज सबकी नजर से बातचीत करने के लिए एक बधिर जिसको कहते हैं सूरदास, जो दोनों आंख के सूर हैं, गुलाब चंद जी, ज्वलंत मुद्दा इनके सामने आ रहा है। कई बार इनकी पत्नी जो मानसिक उलझन में रहती हैं वो घर से गायब हो जाती हैं, और आज भी ये जब सबकी नज़र के पास आए हैं एक आशा लेके आए हैं कि आपके माध्यम से कहीं न कहीं हमारी पत्नी का सुराग लोग समाचार देखेंगे तो मिल सकता है। इनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम था भैया? सूर्यकली। सूर्यकली पत्नी का नाम है जो एक अगस्त से ही घर से अचानक गायब हो गई हैं, और आप दोनों गुलाब चंद के पति जो दोनों आंख के सूर्य हैं आप देख नहीं सकते हैं, दर दर भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, नात रिश्तेदारी सगे संबंधी सभी जगह आपने तलाश लिया लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं चला। तब जाकर के आपने सबकी नज़र के पास आप पहुँचे और आपने कहा कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से हमारी पत्नी के बारे में आप समाचार दिखाएं ताकि उनका पता चल जाए। आइए बात करते हैं गायब पत्नी के पति गुलाब चंद। सर गुलाब चंद कैसे, क्या आपके पत्नी क्या नाम है? सूर्यकली सर। सूर्यकली, हाँ। उम्र कितनी होगी उनकी? सर 60 साल। 60 साल है। तो आपकी कोई बेटी वगैरह, बेटे? एक बेटी है सर, इंटर में पढ़ रही है। तो बेटी आपके घर पे ही है? हाँ सर, घर पे। तो ये बताइए कि कैसे आपकी पत्नी गायब, क्या कोई झगड़ा लड़ाई कुछ कैसे? बस उठी है घर से, गोरु कोयर डाल रही थी, हाथ धोकर पीछे से निकल गई 9 बजे दिन। कोई दिमागी संतुलन वगैरह तो उनका नहीं? दिमाग कुछ गड़बड़ हल्का से है, पूरा नहीं है, थोड़ा गड़बड़ चिड़चिड़ापन रहता है। आपने कोई पता किया कहाँ गई कहाँ नहीं गई? हर जगह सर, उसके नैहर ससुराल, हर जगह ससुराल मतलब हमारे यहाँ है, हर जगह पता किए सर, कहीं नहीं पता चल रहा है। क्या इसके पहले भी कोई ऐसा हादसा हुआ था गायब वगैरह? एक बार हुई थी सर, तो पेपर में निकलवाए थे तो मिल गई, बाद में मतलब एक बार गायब हुई थी और पेपर वहाँ पर निकलवा दिया, इसलिए आपने ये सोचा कि समाचार ही एक माध्यम है, जरिया है, क्योंकि इनका लकी समाचार हो जाता है और समाचार के माध्यम से जब आते हैं, समाचार में जब निकलता है तो इनकी पत्नी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है तो ऊपर वाले ही जाने, लेकिन आपका जो आपकी जो उम्मीद एक लगी है, आस लगी है कि समाचार के माध्यम से मिल जाती है। क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं क्षेत्र के लोगों को? सर हम यही समाचार देना चाह रहे हैं, जो हमारी पत्नी को अगर समाचार में बताएंगे तो जो देंगे उनको हम जो कुछ उचित इनाम होगा देंगे, और आने के बाद मोबाइल नंबर पर हमारे फ़ोन करें जो अगर पता पाए जहाँ।
देखिए कितना बड़ा हौसला है पत्नी के खो जाने के बाद। उम्र कितनी होगी लगभग उनकी, आपकी पत्नी की? 60 साल की उम्र भी हो चुकी है और मुंह में दांत वगैरह भी नहीं है, लेकिन ममता ऐसी है, एक आंख से आप बता रहे हैं देखती भी नहीं है, ममता ऐसी है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारी पत्नी को कोई समाचार देख करके अगर कोई सूचना मोबाइल नंबर पे देता है तो उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी ममता है, ये पत्नी के प्रति कितना पति का लगाव है कि आपने ये भी कह दिया कि अगर कोई सूचना देता तो उसको उचित सिलसिले में। इनके गुलाबचंद के जो रिश्तेदार हैं, क्या नाम है भैया आपका? सुरेश यादव, उमरगंज के रहने वाले हैं हम, और इनकी पत्नी जो हमारे रिश्तेदार गुलाब जी हैं तो इनकी पत्नी से थोड़ा सा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ये निकल गई हैं 1/8/2022 से। अगर किसी भी सज्जन व्यक्ति को उनकी मुलाकात होती है तो हमारे नंबर पर कॉल करके अगर वो बताते हैं तो जो भी उचित होगा हम उनको देंगे, जो धनराशि होगी वो हम उचित अगर हमारे घर पर पहुंचाते हैं फिर भी हम देंगे, अगर वो सूचित करते हैं फिर भी हम देंगे। जैसा भी आपने कहा उचित इनाम दिया जाएगा, अपने नंबर पे आपने कहा, तो आप हमारे जो सबकी नज़र के जो दर्शक हैं तो एप्लीकेशन में आपने जो सबकी नज़र के नाम पर एक एप्लीकेशन आपने पत्र दिया है तो उसमें जो नंबर आपने लिखा है उन नंबरों को जरा आप दर्शकों को बता दें धीरे धीरे करके ताकि लोग जान जाए, नंबर को आपका नोट कर लें। क्या नंबर क्या है जी? मेरा नंबर है 8737940608। दोबारा एक बार फिर बोल दिए, 8737940608। आपने देखा इनके रिश्तेदार भी काफी लगे हुए हैं बेचारे, काफी परेशान हैं, काफी खोजबीन आपने की, आपने नंबर भी दिया है और सबकी नजर पर स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहा है उन तमाम नंबरों पर यदि किसी सज्जन को गुलाबचंद की पत्नी के बारे में सूचना मिलती है तो आप सबकी नजर कंट्रोल रूम को भी सूचित कर सकते हैं और नीचे दिए गए गुलाबचंद के नंबर और सुरेश के नंबर पर भी आप सूचित कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि सूचित करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। अपने सहयोगी सुरेश तिवारी के साथ मैं एसएस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।